रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जाएगा और किस असेंबली में किया जाएगा, पंजाब में, कौमी असेंबली में या सेनेट में, स्पीकर साहब पे या वज़ीर आज़म साहब पे, इस पर अभी बातचीत होना बाकी है। और PDM का इजलास जो है वो होने वाला है एक दो रोज़ में, उसमें PMLN उसका हिस्सा है, तो जो PDM का फैसला होगा PMLN उसकी पाबंदी करेगी। अच्छा खास साहब, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और MKM की मुलाकातें हुई, अब शबाशी साहब जो है वो चौधरीयों को भी मुलाकात के लिए जाएंगे, तो उसमें जो इतिहादी जमातें हैं हुकूमत की उनको साथ जो मिलाया जा रहा है, तो किस कदर आपके लिए तवक्कात हैं कि वो भी आपके साथ मिल जाएंगी और अदम इतमाद में आपका साथ देंगी? ये आने वाला वक्त फैसला करेगा, मैं इस पर आपके सामने तबसरा नहीं करूँगा। अच्छा खास साहब, एक बात बताएं कि इससे पहले भी कई दफ़ा हुआ आपने अगर मैं एक दफ़ा की शुरू में आपके पास नंबर्स गेन तो पूरे होते हैं, लेकिन एंड टाइम पे आके कभी कोई नहीं आता, तो गिनती सारी जो है वो 5-7 लोगों की वजह से या एक आधे बंदे की वजह से इधर उधर हो जाती है, आपका ख्याल? जैसे ये आपने बनाया हुआ रोस्टर उल्टा सीधा किया हुआ आप ही के लिए है, ऐसी सूरत क्या आप इसको पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है कि आप अदम एतमाद लाएं और नंबर गेम बदल जाए? देखें, ये तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है और लिया जाएगा, और जो भी कदम उठाया जाएगा सोच समझ के और एवेल्युएट करके उठाया जाएगा। पहले इमरान खान साहब जा रहे हैं, स्पीकर जा रहे हैं या पंजाब में पहले वज़ीर आला जा रहे हैं? एक तो मुझे मालूम नहीं है, और अगर मुझे मालूम होगा तो मैं आपको बताऊँगा नहीं। नहीं खान साहब चलें, हमारी खबर के क्लू तो दे देना कि पहले जो है वो धावा कहाँ बोला जा रहा है। ये अगले चंद दिनों में फैसला होगा, धावा बोलना है तो नहीं बोलना, बोलना है तो कैसे बोलना और किस सतह पे जाना है। मैं जरा बंदा पक्का बंदा है, इतनी जल्दी मैं फड़ाई नहीं देनी था। इमरान खान जा रहे हैं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की हुकूमत का जाना ठहर चुका है, उनके जाने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है, क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। एक तो होती है बैड गवर्नेंस, एक है नो गवर्नेंस। उन्होंने तो पाकिस्तान को कोई गवर्नेंस नहीं दी, सिर्फ झूठ बोला है और लफाजी की है, खोखले दावे किए हैं, और इंतकाम की बुनियाद पे वो चलाने की उन्होंने कोशिश की है। एक न्यूक्लियर स्टेट, 22 करोड़ लोगों का मुल्क, इस तरह चल नहीं सकता था। हमारा ख्याल है वो जितना टाइम था उससे ज़्यादा ले गए, उनका टाइम आउट हो गया मेरा ख्याल है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो कश्ती है, इसमें काफिली की सवार होगी? सर देखें, आगे चीज़ें खुलती चली जाएंगी। बिफोर टाइम, बाज़ हमारे दोस्त जो हैं वो बिफ़ोर टाइम बातें करते हैं, तो मेरा ख्याल है बिफ़ोर टाइम दावे नहीं करने चाहिए। बहरहाल ये दुरुस्त है कि पहली बार PMLN अदम एतमाद का जो इकदाम है उस पर संजीदगी से सोच रही है, और PDM में भी इस पर बात होगी। इससे पहले हम ये बात नहीं करते थे। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि शेर सिंह ने कहा है कि जिसके सर पर हाथ हो तभी अदम एतमाद जो है वो मुकम्मल हो सकती है, या अदम एतमाद जो है वो उसको कामयाबी मिल सकती है, तो किसका हाथ किसके सर पर किसकी ज़रूरत होती है? ये बातें वो करते हैं जिन्हें हाथ फिराने की आदत होती है सर पे। अच्छा खान साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, एक तो आपने जो यहीं पे टॉक की थी, तो आपने ओपोजिशन पर अदम एतमाद का इजहार किया था, क्या अब आप ओपोजिशन के किरदार से खुश हैं? दूसरा ये कि वज़ीर आज़म के लिए, नए वज़ीर आज़म के लिए जो है वो शहबाज शरीफ का नाम जो है वो तमाम रद्दे आम है, इसके हवाले से क्या आपकी जमात जो है वो तैयार है? जहाँ तक अपोजिशन के रोल का ताल्लुक है, और जो मेरा एक अदम इत्मीनान का इजहार मैंने किया था बिल्कुल दुरुस्त किया था, और जो मैंने बात की थी वो आवाम की आवाज़ थी। लोग इस हुकूमत से सख्त तंग हैं, और हम पे उनका ये एक मुद्दा है लोगों का कि आप लोग जो हैं वो फ्रंट लाइन से खड़े होकर नहीं लड़ रहे जिस तरह लड़ना चाहिए। तो बतौर एक सियासी कारकुन के अब मेरा इत्मीनान पहले से ज़्यादा है, अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। जो दूसरा आपने सवाल किया है तो उसका जवाब है कि ज़बान खलक को नकारा है खुदा समझो। बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।